हेलो दोस्तों, रिंकू टेस्टी किचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पापड़ी वाली चाट, जो खाने में बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रंची। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने मटर लिया है 250 ग्राम। इसे पानी में डालकर 4-5 घंटे तक अच्छी तरह से फूलने देंगे। फूल जाने के बाद इसे कढ़ाही में डालकर 2 गिलास पानी डालकर इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसे आप कुकर में भी डालकर बना सकते हैं। और अच्छी तरह से पकने के बाद देखिए, इस तरह से हो जाने के बाद इसे अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो चलिए अब पापड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम तक मैदा लिया है, इसमें आधा चम्मच तक नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, कटा हुआ धनिया डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जिसे घर में बनाया हुआ है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम ना ही बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और ना ही तेल डालेंगे, इसे सिर्फ पानी से ही गूंथेंगे। ये मैंने आधा कटोरी से भी बहुत कम पानी डाला है और इसे अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह होने के बाद 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसे फिर से गूंथेंगे, इसे थोड़ा हार्ड ही गूंथेंगे। ये मैदा हमारा थोड़ा कड़ा ही रहना चाहिए। देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से खूब गूंथेंगे। अब इसे छोटा छोटा लोई बनाएंगे इसका, इस तरह से खूब अच्छी तरह से, ये छोटा छोटा इस तरह से गोल गोल चपटा कर लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। इसमें ना ही मैदा मिलाएंगे और ना ही इसमें तेल ऐड करेंगे। देखिए कितना गोल हुआ है। इसी तरह से बेल लेने के बाद इसे आपस में रख देंगे, इस तरह से 4-5 एक साथ रख देंगे। इससे जल्दी फ्राई भी हो जाता है और बहुत ही क्रंची बनता है। कोई भी नुकीली चीज़ से इसे इस तरह से छेद कर सकते हैं या स्पोक से भी कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाही में 200 ग्राम तक तेल डाला है, इसे गर्म होने दिए हैं। गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे पापड़ी और इसे पलटेंगे। पलटने के बाद इसे हल्का हल्का इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से बनाने से बहुत ही क्रंची, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। देखिए कितना खूबसूरत बना है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची। देखिए ये मैंने इमली का पानी लिया है, इसमें कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डाले हैं और इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब एक प्लेट में पापड़ी को निकाल लेंगे और इसके ऊपर में छोला डालेंगे और इसे सर्व करेंगे अच्छी तरह से। इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इमली का पानी डालेंगे, नींबू भी डाल सकते हैं, कटा हुआ धनिया डालेंगे और दही डालेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं।